स्कूल के बच्चे कहाँ बर्तन धो रहे हैं, यहाँ पे लोग बर्तन धोते हैं। और आप देख सकते हैं कि पानी कैसा है, कितना गंदा पानी है। इसी यहीं पे बर्तन रोज धोती हो है? पानी पीती कहाँ से हो? स्कूल में जाने के लिए कैसा रोड है, इसको रोड कहेंगे या नाला कहेंगे, इसको पहाड़ कहेंगे, क्या कहेंगे पता नहीं चल रहा। देख सकते हैं अभी नाला पड़ जाता है, इधर से पगडंडी के रास्ता से आते हैं, पगडंडी के सहारे आते हैं, पगडंडी के सहारे आते हैं। इनके चेहरे को देखिए, इनसे मिलना होगा और इनसे बतियाना होगा कि बेटा तुम्हारे स्कूल में क्या समस्या है। अभी हम लोग एक गाँव में है और एक स्कूल में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे स्कूल है और स्कूल में जाने के लिए जो मुख्य सड़क है यही है, तो मतलब आपको गाड़ी वाड़ी आप इधर लेके नहीं जा सकते हो स्कूल में। और पता चला है कि वो जो स्कूल है हाई स्कूल है, आप देख सकते हैं ये रास्ता है और इसी रास्ते से बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। और बताया जाता है कि ये मुख्य सड़क है। अभी दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में ये हाल है, तो बरसात के महीने में क्या हाल होता होगा ये तो भगवान ही बेहतर जानते होंगे। तो हम लोग स्कूल के ग्राउंड में चल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या समस्याएँ हैं। अभी समय हो रहा है 2, मतलब अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और स्कूल छुट्टी होने का समय है 3 बजे। तो अब हम लोग स्कूल में चल रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर स्कूल के बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ने आते हैं, शिक्षक लोग कैसे बाइक लेकर स्कूल में आते हैं, अगर कोई पदाधिकारी आते होंगे तो कैसे आते होंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अधिकारी पदाधिकारी तो कोई गलती से भी झक मारने नहीं आते होंगे। इस क्षेत्र में आपको बता दें कि ये गढ़वा जिला के रंका प्रखंड का कोई एक स्कूल है और पूरा जंगली इलाका है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग स्कूल में चल रहे हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या समस्या है। काहे छुट्टी हो गया है, खाली हो गया है, छुट्टी हो गया है। कई गो मास्टर स्कूल में आए हैं? चार गो हैं। चलो तुम लोग जाओ, स्कूल का छुट्टी हो गया है 2 बजे ही, तो अब चलते हैं और सर से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 2 बजे स्कूल क्यों छुट्टी हो गई। देख लीजिए कि स्कूल के बच्चे कहाँ बर्तन धो रहे हैं। धो लो बेटा, धो लो धो लो, देखिए दिखाइए स्कूल के बच्चे कहाँ बर्तन धो रहे हैं। दिखाइए दिखाइए, कहाँ धोती हैं, कैसे धोती हैं, दिखाइए तो, दिखाइए बेटा, दिखाइए, आइए। तो ये देखिए स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल से अभी खाना वाना खा के आइए, दिखाइए कहीं। हाँ देखिए बर्तन धो रही है बच्ची, यहाँ पे लोग बर्तन धोते हैं और आप देख सकते हैं कि पानी कैसा है, कितना गंदा पानी है, इसी में लोग खाना खाने के बाद अपना बर्तन धो रहे हैं। देख लीजिए बच्ची धो रही है अपना बर्तन, आप देख सकते हैं ये स्कूल की बच्ची है, हमको लगता है कि पांचवी चौथी पांचवी या दूसरी में पढ़ती होगी। स्कूल में पानी नहीं आता है बेटा? स्कूल में पानी है नहीं बोलोगी? यहीं पे बर्तन रोज धोती हो है? पानी पीती कहाँ से हो? कल में। अच्छा कल में पानी पीती हो, तो कल में बर्तन कहीं नहीं धोती हो बेटा? ये सब समस्या है ग्रामीण स्तर पर। मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो विधायक होते हैं, जो भी विधायक हों, उनके विधानसभा में जितना भी गांव आता है, चाहे जंगल में गांव हो चाहे पहाड़ों में गांव हो, सभी जगह पर जाना चाहिए और देखना। देख लीजिए स्कूल में जाने के लिए कैसा रोड है, इसको रोड कहेंगे या नाला कहेंगे, इसको पहाड़ कहेंगे, क्या कहेंगे पता नहीं चल रहा। देख सकते हैं कैसा रोड है और इसी से हो के यहाँ के बच्चे स्कूल जाते होंगे, आप देख सकते हैं। तो बच्चे देख लीजिए, हमको लगता है कि शायद छुट्टी उट्टी हुआ होगा, अब समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल का नाम है उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिसोई काला रंका। प्रधानाध्यापक कौन है सर? तो देख लीजिए अभी शायद स्कूल छुट्टी उट्टी हो गया है, बच्चे बाहर घूम रहे हैं। सर से बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ सर? राम कुमार गुप्ता। राम कुमार गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल यह है कि आते कैसे हैं आप लोग? सर यही जो रास्ता दिख रहा है इसी से आते हैं। अभी तो आ जाते होंगे बरसात में? बरसात में तो दिक्कत होती है सर। दिक्कत होती है ना जी। अभी हम आ रहे हैं, अभी नाला पड़ जाता है, इधर से पगडंडी के रास्ता से आते हैं, पगडंडी के सहारे आते हैं। हाँ, पगडंडी के सहारे आते हैं। तो आगे लिख के दिए हैं आप लोग? लिख के तो कई बार दिए हैं, इसके लिए मुखिया को भी वगैरह बताया नहीं बना पाएगा क्योंकि सर बहुत लंबा है, इसके लिए ना विधायक जी को पहल करना पड़ेगा और डीसी महोदय का, विधायक जी को के नज़र में मिथिलेश ठाकुर है ना विधायक यहाँ के जी, उनको पता है इस स्कूल के बारे में? तो ये हम नहीं पता पाएंगे। कहाँ से होगा, वो घूमते होंगे नहीं इस क्षेत्र में, तो क्या पता होगा। सर सच सच बताइएगा, आप कितने साल से कार्यरत हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं 14 साल से कार्यरत। 14 साल में कितने बार वरीय पदाधिकारी आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो वरीय पदाधिकारी एक ही दो बार आए हैं। एक ही दो बार जी। आज से कितने साल पहले आए थे? अब 2-3-4 साल पहले। 4 साल पहले, 5 साल मान के चलते हैं, है ना?
तो ऐसे, आप ऐसे देखिए बीओ वगैरह जो ब्लॉक पदाधिकारी वगैरह हैं, ये सब तो आते रहते हैं, बीओ बीपीओ वगैरह सब आते रहते हैं। बीओ बीपीओ क्या करेगा, उसके अंडर में बहुत बड़ा रोड है, शिक्षा विभाग जिनके अंडर में है, ब्लॉक के अधिकार में है, वो लोग अपना निगरानी में निरीक्षण में आते रहते हैं, उनको तो मालूम होगा ये सीआरपी बीआरपी वगैरह सब आते रहते हैं जी। देखिए सबसे बड़ा सवाल क्या है हमारे झारखंड राज्य में, जानते हैं क्या हो रहा है? देखिए हम लोग विधायक बना देते हैं, ये गांव है किसी न किसी विधानसभा में आता होगा, गढ़वा जिला में आता है जी, गढ़वा विधानसभा गढ़वा है जी, 80 विधानसभा क्षेत्र में मिथिलेश ठाकुर के विधायक जी हाँ, है ना जी। दिक्कत क्या है कि उनको पता ही नहीं होगा कि उनके क्षेत्र में एक ऐसा ऐसा भी स्कूल है जहां पर पगडंडियों के सहारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जहां पर आने के लिए सड़क नहीं है, स्कूल में बच्चे कैसे कैसे स्कूल आते हैं आप समझ सकते हैं। हम लोग अभी आए हैं, अभी दिसंबर का महीना है तो ये हाल है, आप सोच लीजिए कि अगस्त में सितंबर में अक्टूबर में क्या स्थिति होती होगी, जून में क्या स्थिति होती होगी, जुलाई में क्या स्थिति होगी, क्योंकि दबा के बरसात होती है, जंगली इलाका है, तो ऐसे जगहों पर रोड क्यों नहीं बनाया जाता है, ऐसे जगह पर स्कूल क्यों बनाया गया है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। विधायक जी थोड़ा कृपा करके अपने क्षेत्रों का विजिट कीजिए और आपको तब पता चलेगा कि ग्रामीण स्तर पर कितनी जो गरीबी है, ये बच्चे जो है गरीब के हैं, ये गरीब के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ते हैं और गरीब के बच्चों के लिए आने के लिए रास्ता नहीं है, गरीब के आदिवासी के दलित के पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं और इनके लिए है, जानते हैं रास्ता क्या है, पगडंडियों के सहारे आते हैं। वाह झारखंड सरकार, मैं तो कहता हूँ सभी विधायकों को मंत्रियों को कि सर रांची में बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको धरातल पर आना होगा और इनसे मिलना होगा, ये देखिए इनके चेहरे को देखिए, इनसे मिलना होगा और इनसे बतियाना होगा कि बेटा तुम्हारे स्कूल में क्या समस्या है, तुम्हें क्या परेशानी होती है पढ़ने में, तब आपको पता चलेगा। जब तक इनको बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक जानते हैं क्या होगा, देश नहीं बदलेगा, चाहे कुछ कर ले मोदी जी, अमेरिका चले जाए, फिनलैंड चले जाए, लंदन चले जाए, फंडन चले जाए, देश नहीं बदलेगा। देश को बदलने के लिए बेहतर शिक्षा देने की ज़रूरत है और शिक्षा में जानते हैं क्या, आधारभूत चीज़ें प्रोवाइड। अब जिस स्कूल में रोड नहीं हो, जिस स्कूल में चपा कल ना हो, जिस स्कूल का स्थिति ऐसा हो, देख लीजिए डेंटिंग पेंटिंग पता नहीं कब हुआ होगा, लास्ट में कब हुआ था सर, लास्ट सर 2 साल पहले हुआ था। विकास का पैसे नहीं कहते हैं भाई कि विकास का पैसे नहीं आया है, मूलभूत का पैसा ही नहीं आया है, अभी आया है तो रंग रोगन होगा, अभी तो 2 साल बाद आया है जी हाँ 2 साल। तो बताइए कि जिस स्कूल में 2-2 साल तक विकास फंड ना आता हो, और बताइए उस राज्य के स्कूल की स्थिति क्या होगी, आप ज़रा बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं सर, बताइए। रोड तो होना चाहिए यहाँ, हम लोग देखिए 4 टीचर हैं जी और क्लास केजी से 10 तक। अच्छा केजी से 10 तक है, 10 तक हाई स्कूल है। कैसे पढ़ाते होंगे सर? हम लोग मान के चलिए खुद आप अपने से प्राइमरी स्कूल का टीचर है, अब उसी में 9-10 को भी पढ़ाना पड़ता है। हाई स्कूल के शिक्षक नहीं है ना? नहीं शिक्षक नहीं है, मिडिल स्कूल के मात्र एक शिक्षक हैं, वही पारा टीचर में है, बाकी तो हम लोग किसी तरह भी तीर चला रहे हैं। क्या जगन्नाथ महतो जी मिथिलेश कुमार ठाकुर जी स्कूल को बंद करवा दिया जाए, जरा बताइए। अब यहाँ पर कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ाई होती है, जितने भी शिक्षक हैं प्राइमरी के शिक्षक हैं जी, तो 6ठी क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, चलिए 8वीं के बच्चों को सर लोग मैनेज करके पढ़ा देंगे, चलिए पढ़ा देंगे कि चलो इनके क्षेत्र के बच्चे, लेकिन 9वीं और 10वीं के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा यार, कैसे पॉसिबल है ज़रा बताइए। उसके लिए स्पेशल हायर किए जाते हैं शिक्षक हाई स्कूल के, लेकिन शिक्षक ही नहीं बहाल हो रहे हैं, तो फिर स्कूल बंद कीजिए, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल चलवाइए, यहाँ के बच्चों को कहीं और भेजिए, बने रहिएगा।